बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद इरफान फ्रॉम चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है। फाइंड एल, एल मालूम करना है व्हेन फर्स्ट पार्ट में थीटा 180 डिग्री है और आर जो कि रेडियस है वो 4.9 सेंटीमीटर है। यानी फर्स्ट पार्ट में थीटा डिग्रीज में दिया गया है, रेडियस सेंटीमीटर में है, एल मालूम करना है। सेकंड पार्ट है, इसमें थीटा 60 डिग्री और 30 मिनट्स हैं, आर 15 मिलीमीटर है, जहाँ पर भी हमने एल को मालूम करना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे, अगर आप तो आपको जो थीटा दिया गया है वो यहाँ पे डिग्री में दिया गया है, लेकिन याद रखना है आपने कि जब आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपके पास थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो ये डिग्री को आपने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इस क्वेश्चन में आएगा पाई रेडियन। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 3.14 रेडियन। आपको आर गिवन है, आर इज 4.9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने एल फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। इन दिस क्वेश्चन आर इज 4.9 एंड थीटा इज 3.14 रेडियंस। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड होता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप लेके जा सकते हैं। तो 4.9 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 15.4। क्योंकि आपके पास जो आर था वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो आर और एल का यूनिट सेम होता है, एल का यूनिट भी वही होगा सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एल होगा, जो कि आर्क लेंथ होती है, वो है 15.4 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है। इसमें आपको थीटा दिया गया है 60 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, पहले तो आप ये मिनट्स में हैं तो इनको भी डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 60 डिग्रीज हैं प्लस 30 मिनट्स हैं, इनको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये डिग्री आ जाएगा। तो ये आएगा थीटा 60 डिग्री प्लस 30 को 60 डिवाइड करें, ये 0.5 डिग्रीज आते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये बनता है 60.5 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि थीटा को यहाँ पे आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है जब आपने एल को मालूम करना है, तो 60 को 60.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो अब थीटा जो है वो रेडियन में कन्वर्ट होगा। थीटा इज इक्वल टू 60.5, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है, डिवीजन में 180 है, यहाँ पे आ जाएगा रेडियन। तो ये सारी ज़रब तकसीम करने के बाद हमारे पास जो थीटा आता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आती है 1.0559 रेडियन। ये थीटा की वैल्यू आती है इस क्वेश्चन के अंदर 1.0559 रेडियन। तो हमें एल मालूम करना है, आर हमें गिवन है 15 मिलीमीटर। आर को आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि जो जो यूनिट आर का होगा एल का भी वही आएगा। तो हमें एल को मालूम करना है। हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस क्वेश्चन में आर 15 है, थीटा 1.0559 रेडियन है। तो अगर हम 15 को 1.0559 रेडियन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 15.84
मिलीमीटर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि क्योंकि रेडियस का यूनिट मिलीमीटर है, तो लेंथ का यूनिट यानी ये जो आर्क लेंथ है ये भी मिलीमीटर्स में आएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एल की वैल्यू है वो 15.84 मिलीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों ये एम शार्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है। दोनों ही बड़े ही अहम क्वेश्चन है। इसमें आपको एंगल वो डिग्रीज में देता है, आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, फिर एल बराबर आर थीटा से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पहले आपको मिनट्स को डिग्रीज बनाने हैं और फिर आपने रेडियन कन्वर्ट करना है, तो इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ये सिंगल डैश का मतलब मिनट्स होता है, इसको 60 पर डिवाइड करेंगे डिग्रीज बन जाएंगे, इनको ऐड करेंगे टोटल डिग्रीज आपके पास बन गए। जब टोटल डिग्रीज बनेंगे तब आपने इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह ये द्रव तकसीम करने के बाद रेडियन आ जाता है 1.0559 रेडियन। आर गिवन है आपको, कोई भी आपको आर दे दिया जाए, लाजमी नहीं है कि 15 ही होगा। फार्मूला यही है, जो मैच होगी आर की वहाँ लिख देनी है, थीटा ये आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एल की वैल्यू आ जाती है।